सहारनपुर रोड 2 नंबर इंदिरापुरी लोनी से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का जो मामला है उसको उस स्थान पर मैं उपस्थित हुए कि इसमें जो स्थिति है अभी वर्तमान में वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए बड़ी दयनीय स्थिति में यहाँ पर है, ऑन मेन रोड पर है और आसपास में जो कॉलोनियाँ हैं बड़ी दूर। बारिश पड़ती है तो यहाँ पर बड़ा गंदा नाली का जो पानी है चारों तरफ फैल जाता है और यहाँ साफ सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं। अभी हमारे यहाँ पर लोनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र जी हैं, शेषराज भारती जी हैं और मैं खुद इस संबंध में पूर्ण जानकारी मिलेगी जिस संबंध में आज हम ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को। शेषराज भारती एडवोकेट जी अभी वर्तमान स्थिति बताएं। वर्तमान स्थिति जैसा कि हम लोग जो है मूर्ति के पास आए हैं, मूर्ति पर जो है माला अर्पण करने आए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम दृष्टया तो बहुत गंदगी है और ये बहुत पुरानी किस्म की जो पुरानी मूर्ति है और इसकी जो हालात हैं यहाँ पर बड़े दयनीय हैं। बाबा साहेब डॉक्टर स्थिति है बहुत ही गंभीर स्थिति में है और इसका जीर्णोद्धार की हम जो है मांग करने के लिए आज जो है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है हमने जो है जो स्थान है जो इसका जो है मुआयना किया है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग बहुत ही गंदी स्थिति गंदगी यहाँ पर है और जो मूर्ति का स्थान है वो भी बहुत ही लोनीबार वक्ता श्री सुरेंद्र जी ज़्यादा प्रकाश डालेंगे जी। जी वकील साहब ये मूर्ति बहुत पुरानी है और पहले जब ये लगी थी तो तब से अब तक ये लगभग 8 फुट सड़क उठ चुकी है। इसका कई बार इसके बारे में शिकायतें की गई, इसका उच्चीकरण किया गया और इसका पुनर्निर्माण करके इसको उठाया भी गया परंतु स्थानीय शासन और नगर निकाय द्वारा इसकी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस मूर्ति का पहले हाथ तोड़ दिया गया था, जब शिकायत की गई थी तो इसका हाथ ठीक कराया गया। पहले कई बार मूर्ति के साथ कुछ सारे तत्वों ने स्याही वगैरह से भी इनका बाबा साहब का अपमान करने का प्रयास किया गया, इसके बारे में भी शासन प्रशासन को लिखकर प्रशासनिक अधिकारियों को लिखकर कहा गया परंतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और पुलिस के द्वारा और नगरपालिका के द्वारा मूर्ति का चबूतरा निर्माण कर और इसका सौंदर्यीकरण कर इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम कल भी मूर्ति का जब हमने देखा कि मूर्ति को विस्थापित करने के लिए एक साजिश चल रही है और जबकि मूर्ति मेन रोड से बहुत अलग है, आज की नहीं है बहुत पुरानी है, इससे कोई रोड में बाधा नहीं है और जबकि रोड के अंदर रोड के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिन पे के नाम है आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। हमारी ये मांग है कि बाबा साहब हैं, संविधान निर्माता हैं, सबके हैं और हमारी आस्था के और विश्वास के प्रतीक हैं, तो मूर्ति का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए और इसका चबूतरा उठाकर इसकी मूर्ति की भव्यता स्थापित की जानी चाहिए और इसका सुरक्षा की पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। वकील साहब जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप देखिएगा कि मुख्य जो मार्ग है जो सड़क मार्ग है उससे बहुत ही दूरी पर है ये मूर्ति। इस मूर्ति की जो स्थापना है वो मुख्य मार्ग से काफ़ी दूरी पर है और इसमें काफ़ी जो है शरारती तत्व के लोग जिस तरीके से भसना फैला रहे हैं समाज में कि इसका विस्थापन होना चाहिए और इसके जो है गलत चीटाकसी कर रहे हैं, आप स्वयं देखिए कि ये मुख्य मार्ग से कितनी दूरी पर है जिससे कि जो सड़क मार्ग है जिस पे यातायात है उस पर कोई भी बाधा क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बाधा किसी तरीके की नहीं है।